जोशीमठ में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जोशीमठ में आईटीबीपी हॉस्पिटल में जाकर ग्लेशियर हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनके हालात जानी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली ग्लेशियर हादसे में प्रभावित इलाकों पर हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। चमोली हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभी भी 202 लोगों के फंसे होने की आशंका। चमोली में तपोवन की बड़ी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टनल के अंदर 130 मीटर तक मलबा हटाया गया। टनल में फंसे 34 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी और श्रमिक। रेस्क्यू टीम ने पूरी रात जारी रखा ऑपरेशन जिंदगी। 3 जेसीबी लगातार कर रही है काम। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ की टीमें ऑक्सीजन के साथ तैनात। उत्तराखंड हादसा, पीड़ितों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश के 3 मंत्री उत्तराखंड जाएंगे। उत्तराखंड में हादसे वाली जगह पर दौरा करेंगे मंत्री। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, आयुष मंत्री धर्म सिंह और राज्य मंत्री विजय कश्यप भी जाएंगे उत्तराखंड। सीएम योगी ने बैठक में दी जानकारी। हादसे में फंसे यूपी के लोगों की मदद करेंगे सुरेश राणा। हरिद्वार में यूपी के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। कमिश्नर और आईजी सहारनपुर करेंगे मॉनिटरिंग। राहत कार्यालय में सिंचाई विभाग और गृह विभाग के अधिकारी बैठेंगे। यूपी के मातृकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। बाईस फरवरी को यूपी का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करेंगे। 18 फरवरी से शुरू होगा यूपी विधानसभा सत्र में बजट सत्र। प्रियंका गांधी 19 और 20 फरवरी को मथुरा और मुजफ्फरनगर के दौरा करेंगी। दोनों जगह पर किसानों से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी। लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपी दीप सिंधु को गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी से फरार चल रहा था दीप सिंधु। दीप सिंधु पर घोषित है 1 लाख रुपए का इनाम। मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों के पासपोर्ट जब्त किए गए। हाईकोर्ट के निर्देश पर पत्नी और दोनों बेटों के पासपोर्ट जब्त किए गए। प्रयागराज के सोराव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया। हापुड़ की देहात पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से अवैध तमंचा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद हुई। बहराइच के हजूरपुर पुलिस ने दौरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया है। आगरा के इत्माधोला थाना में बदमाशों ने 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया। सड़क किनारे लहूलुहान मिले दोनों युवक। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। जौनपुर में तेज रफ्तार पिकअप की भिड़ंत ट्रक से हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। 5 लोग अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। हरदोई के बेनीगंज कोतवाली इलाके में डंपर से कुचलकर 2 बच्चों की मौत हो गई। डंपर के पहिए के नीचे दोनों बच्चे आए। हादसे के बाद डंपर छोड़कर चालक फरार हो गया। आज से पूरी क्षमता से 9वीं से 12वीं तक स्कूल खुलेंगे। कोरोना के चलते मार्च से बंद चल रहे थे स्कूलों का संचालन। ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी मौजूद रहेगा।
कल से कक्षा छठी से आठवीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। 1 मार्च से पहली से पांचवीं तक के स्कूल भी खोले जाएंगे। कक्षा 6 से 8 तक स्कूल का काल खोला जाएगा। पंद्रह फरवरी से अनिवार्य होगा फास्टैग से पेमेंट। सभी टोल प्लाजा पर लगाई जा रही हैं मशीनें। केंद्रीय मंत्रालय ने नकद भुगतान सुविधा खत्म की। पंद्रह फरवरी से खत्म नकद भुगतान की सुविधा समाप्त हो जाएगी। बिना फास्टैग के देना होगा दुगना टोल टैक्स। यूपी में कोरोना संक्रमण पर हासिल कामयाबी। 10 महीने बाद प्रदेश में 100 से कम मरीज। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब 3,442।